हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और ये आपको काफी नया फॉर्मेट दिख रहा होगा, काफी नई चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। ये हमारा एक नया वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपको करंट अफेयर्स का सारा मटेरियल आपको यहीं पर मिलने वाला है। और इंग्लिश वाले बच्चे परेशान ना हो, उसका भी मटेरियल मिलेगा। थोड़ा सा बस समय दो, चीजें एक बड़ी लाइन पर आने दो, रूटीन पर आने दो, सारी चीजें आपको इसी चैनल पर मिलने लगेंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इसमें हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। आज हमारी तारीख है 7-8 अक्टूबर, जब मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ 8 अक्टूबर। और 8 अक्टूबर का यानी कि एक दिन पहले, ऑब्वियसली उस दिन का तो करंट अफेयर नहीं हो सकता, 7 अक्टूबर का करंट अफेयर्स आपको इसकी आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो सारी करंट अफेयर्स का जितना भी आज का जितना भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपका कुछ सजेशन है, आपको कुछ लगता है कि आपकी ये चीज मिसिंग है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है टेलीग्राम का, और कमेंट सेक्शन में भी पिन है। तो आप दोनों जगह से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लिंक पे नहीं हो रहा है, तो @AmanTrivedi अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, जाइए और डायरेक्ट सर्च करिए अमन त्रिवेदी, @AmanTrivedi लिखिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको अमन त्रिवेदी में @AmanTrivedi डबल आई बनाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम पर भी मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। AmanTrivedi लगाएंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। इन दो जगह पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी आपको स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट मिलता रहेगा। शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज 8 अक्टूबर करंट अफेयर, 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में आज अक्टूबर के 8 अक्टूबर की तारीख पे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व्ड, विश्व कॉटन दिवस यानी कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन इज 4th अक्टूबर, 5th अक्टूबर, 6th अक्टूबर और 7th अक्टूबर। तो चूंकि भाई अगर ये वीडियो आप 8 अक्टूबर को देख रहे हैं जिसमें 7 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है, तो इट्स प्रेटी ऑब्वियस थिंग, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना है नहीं फिलहाल। तो याद रखेंगे आप कि 7 अक्टूबर को आपका विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार उसकी थीम थी एन अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज द ग्लोबल इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन, कपास के वैश्विक महत्व को पहचानने का अवसर, ये इसका थीम था। अब ये देखिए, आज की तारीख में जब आप इसे वीडियो को देख रहे हैं तब तो ये आंसर देना बहुत इजी था कि 7 अक्टूबर को कपास दिवस था, इजी है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे याद रख सकते हो, 7 कपास, थोड़ा सा राइमिंग साउंड हो रहा है, तो 7 कपास यानी कि 7 अक्टूबर को कपास दिवस, विश्व कपास दिवस मनाया गया था। एग्जाम में वर्ल्ड डे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि विश्व कपास दिवस कब मनाया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अक्टूबर 6 को यानी कि एक दिन पहले हमारा कौन सा दिन था, परसों कौन सा दिन मनाया गया था, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अक्टूबर 6 को कौन सा डे ऑब्जर्व किया गया था, कमेंट्स में आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु हैज वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसने जीता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसने जीता है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो नोबेल प्राइज का डेली अनाउंसमेंट हो रहा है, परसों मेडिसिन का हुआ था, आज आपका साहित्य का हुआ है, और आगे पीस नोबेल प्राइज भी अनाउंस होगा और आगे के भी अनाउंसमेंट्स होंगे। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बेंजामिन लिस्ट, ये हिंदी में सूची हो गया, बेंजामिन लिस्ट, डेविड डब्ल्यू मैकमिलन, अब्दुल रजाक गुरना, क्लाउस हेसलमैन। तो ये हेसलमैन, ये आपके चार नाम हैं, इनमें से आप मुझे कमेंट्स में फटाफट बताइए कि इनमें से किसको नोबेल प्राइज मिला है, इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आप ये बताएंगे। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में आप बताएंगे कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे मिला है,
ठीक है, इसका तो आंसर आप करेंगे ही, अभी हम आगे देखेंगे ही। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज किसे मिला है। तो इसका आंसर है आपका अब्दुल रज़ाक गुना या अब्दुल रज़ाक गुरनाही। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक गुरनाही इनका नाम है, इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, याद ये रखना है कि ये जो नोबेल प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज लिटरेचर में इन्हें मिला है, ये इनकी किसी एक कृति के लिए नहीं मिला है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर किताब के लिए नहीं मिला है, इनके सभी अभी तक के सारे काम को देखते हुए मिला है। ठीक है, जैसे कि इनके काम में इनकी जो मेन थीम देखी गई वो ये कि उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के उनके अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए से सम्मानित किया जाता है। यानी कि क्यों इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। तो एक तो कॉलोनियलिज्म का क्या संस्कृति पे प्रभाव पड़ा, उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म, जैसे कि इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड अर्लियर, तो जो उपनिवेशवाद था इसका क्या प्रभाव पड़ा है संस्कृतियों पे उसके ऊपर, और इसके अलावा जो रिफ्यूजीज का जो स्टेटस है, फेट है उनका, जो भाग्य है कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स के बीच में गल्फ में, उस पे इनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरनाही को मिला है, गुरना को मिला है, और किसके लिए मिला है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ अब्दुल रज़ाक गुरना, ही इज द विनर ऑफ 2021 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। पिक्चर्स में क्यों दिखा रहा हूँ, पिक्चर में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इमेज से हमें थोड़ा जल्दी याद होता है, अगर आप बार बार फोटो देखोगे ना तो थोड़ा आसानी से याद होगा, अदरवाइज हम थोड़े दिन में भूल जाएंगे। अभी तो पढ़ लोगे लेकिन जब तक एग्जाम का समय आएगा तब तक सब भूल जाते हैं। तो गुरना कौन है, गुरना इज अ तंजानियन ऑथर बेस्ड। तो कहाँ से हैं ये, तंजानिया के हैं, मूल निवासी तंजानिया के हैं बट ये यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। ठीक है, तो मूल निवासी तंजानिया के हैं पर यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1948 एंड ग्रू अप ऑन आइलैंड ऑफ जंजिबार। ही अराइव्ड इन इंग्लैंड एज अ रेफ्यूजी इन 1960। ही बिगेन राइटिंग एज अ 21 ईयर ओल्ड इन इंग्लैंड इंग्लिश एक्साइल। 21 साल की उम्र में लिखना शुरू किया इन्होंने, जब इंग्लिश एक्साइल थे एक तरीके से, इनको रिफ्यूजी वहां पे 1960 में माना गया। हिज फर्स्ट लैंग्वेज इज स्वाहिली बट इंग्लिश बिकेम हिज लिटरेरी लैंग्वेज, यानी कि इनका काम सारा इंग्लिश में है और यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, मूल निवासी ये तंजानिया के हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो काम है वो आप इसमें ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डीप जाके पूछना चाहेगा या थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछना चाहेगा तो वो ये पूछ सकता है कि मेमोरी ऑफ डिपार्चर किसकी किताब है, या पिलग्रिम्स वे किसकी किताब है, डॉटी किसकी किताब है, पैराडाइज इन्होंने लिखी हुई है, एडमायरिंग साइलेंस लिखी हुई है, बाय द सी डेसर्शन, या द लास्ट गिफ्ट, ग्रेवल हर्ट, आफ्टर लाइफ, ये इनकी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। तो आपको थोड़ा बहुत इनकी किताबों के बारे में भी याद, नाम ये जरूर याद रहना चाहिए कि क्या नाम था इनकी किताबों का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। देखिए, अगर आप छोटे एग्जाम की बात करें, एसएससी या बैंक की बात, एसएससी या फिर रेलवे की बात करें, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि किसने जीता है, बट बैंक में कई बार वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की आदत है उसकी, तो वहां पे ये किताबों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो वहां पे ये किताबों के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो प्राइज है वो प्राइज मनी ये समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली $1.14 million का प्राइज इन्हें मिलता है, मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि किसने, भारत का कौन सा व्यक्ति था जिसने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने, भारत का जो ऐसा कौन सा लेखक था जिसने नोबेल प्राइज साहित्य में जीता था, लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है, तो आप मुझे उनका नाम बताएंगे, हिंट आपके सामने स्क्रीन पर दिख गई है आपको। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नोबेल प्राइज, साहित्य का नोबेल प्राइज भारत में सबसे पहले किसको मिला था। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम अ न्यूक्लियर सबमरीन। किस देश ने परमाणु पनडुब्बी से अपनी पहली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है आपकी, इट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर, फर्स्ट जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम अ न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन से इन्होंने इसका परीक्षण किया है। ऑप्शन है आपके इसराइल, उत्तर कोरिया, रशिया या फिर ईरान।
तो इसका आंसर दोस्तों हो जाता है आपका रशिया। रशिया ने आपके ये जो आपकी परमाणु पनडुब्बी से अपनी पहली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण परीक्षण किया है, ठीक है। तो रशियन मिलिट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स जिरकॉन मिसाइल, अ हाइपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन है दैट्स टू फास्ट टू शूट आउट ऑफ द स्काई, यानी कि सबमरीन से एकदम, मतलब सबमरीन जो कि पानी के अंदर रहती है उससे निकल के ये अटैक कर सकती है, इट्स अ न्यूक्लियर वेपन। तो रेंज है इसकी करीब 1000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, इस तरीके से निकल आएगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अ क्रूज मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम रशियन नेवल शिप, टॉप स्पीड है इसकी 9600 किलोमीटर पर आवर, टू फास्ट फॉर यूएस एंटी मिसाइल सिस्टम। तो यूएस का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके लिए काफी फास्ट है। तो जिरकॉन मिसाइल अगर आपसे पूछा जाए कहाँ की है, तो जिरकॉन मिसाइल आपकी रशिया की है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु हैज वन द FIH वुमेन्स हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, साल के FIH महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे FIH का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। FIH का फुल फॉर्म मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIH, ठीक है। तो किसे मिला है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके सविता पुनिया, बी है गुरजीत कौर, रानी रामपाल और नवजोत कौर। देखिए ऑप्शंस में आपको सारे भारतीय खिलाड़ियों के नाम दिख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनली अवार्ड मिल रहा है और पहले जिनको अवार्ड मिला है उसमें भारतीय खिलाड़ी नहीं होते थे, लेकिन चूंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स हुए और उसमें भारतीय हॉकी टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, मेल और फीमेल दोनों का ही, तो ऐसे में काफी इनको पॉपुलैरिटी मिली। और ये जो अवार्ड मिलता है ये वोटिंग से मिलता है, ऑनलाइन अगर आप जितना वोट करोगे जाके उस हिसाब से मिलता है। तो इवन मैंने भी इस पे वोट किया था, अगर आप में से कोई भी इन लोगों को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करता होगा तो आपने इनकी स्टोरी भी इसमें देखा होगा, इन्होंने लिंक शेयर किए थे कि आप यहाँ पर जाके हमें वोट करें जिससे कि हमें ये पुरस्कार मिले, और वो हुआ क्योंकि वो अभी इस समय पॉपुलर है, इस समय खूब फॉलोइंग है, तो लोगों ने जाकर वोट किया, और वोट किया तो हमारे भारतीय खिलाड़ी ने FIH वुमेन्स हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। कौन बना है तो ये भी हम आंसर बताएंगे, बट उसके पहले मेल्स में भी क्वेश्चन ये अवार्ड अनाउंस हुए हैं, तो हु वन FIH मेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ऑप्शन इसमें ऑप्शन है आपका हरप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह या रुपिंदर पाल सिंह, ठीक है। आप मुझे बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, PR सिंह, प्रिया श्रीजेश जो है वो किस पोजिशन पे खेलते हैं, क्या है टीम में, और आप मुझे बताइए कि मेल हॉकी टीम और फीमेल हॉकी टीम, मैन और वुमेन दोनों हॉकी टीम का कप्तान कौन है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। कप्तान कौन है, हु इज द कैप्टन ऑफ मेल हॉकी टीम, मैन हॉकी टीम एंड हु इज द कैप्टन ऑफ वुमेन हॉकी टीम, ठीक है। चलिए तो साल के FIH महिला हॉकी खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है, ये मिला है आपके FIH वुमेन्स हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गुरजीत कौर को, ठीक है। गुरजीत कौर को ये अवार्ड मिला है, गुरजीत कौर को FIH वुमेन्स हॉकी टीम का हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। शी इज फ्रॉम इंडिया, ठीक। इसके अलावा FIH वुमेन्स गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सविता पुनिया को, तो आप देख सकते हैं इस बार सारे अवार्ड इंडियंस को ही मिल गए हैं। तो FIH वुमेन्स गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सविता पुनिया को, शी इज द गोल कीपर ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। इसके अलावा FIH वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, सॉर्ड मारिन, लिखते हैं SJOERD, ये जर्मन थे और अभी अब नहीं भी रहे हैं, तो ये नेदरलैंड से हैं बेसिकली और इन्होंने टीम इंडिया के कोच रहे हैं, तो सॉर्ड मारिन इनका नाम था, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे सॉर्ड मारिन नाम है इनका, SJOERD मारिन, ठीक। इसके अलावा वुमेन्स मेल मेन्स हॉकी टीम प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है। और इसके जो FIH मेंस गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो है PR श्रीजेश को, तो अभी मैंने आपसे पूछा था कि PR श्रीजेश किस पोजीशन पे खेलते हैं, PR श्रीजेश गोल कीपर है, तो मेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हरमनप्रीत सिंह को, गोल कीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है PR श्रीजेश को, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ये आपके विवेक सागर प्रसाद को, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर को, तो ये मध्य प्रदेश से हैं विवेक सागर, और इनकी उम्र ये अभी सन 2000 के जन्मे हैं, तो इनकी उम्र अभी 21 साल है और ये इसलिए राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर है, जैसे ना IPL में होता है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, उसी तरीके से राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड विवेक सागर प्रसाद को मिला है। और FIH मेंस कोच टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, ग्राहम रेट को, तो ग्राहम रेट टीम इंडिया के कोच हैं, इन्हें आपका कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम दोनों के कप्तान का नाम मुझे बताएंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्रीज हॉकी फेडरेशन हैज विड्रॉन फ्रॉम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और इन कॉमनवेल्थ गेम खेलों से किस देश के हॉकी महासंघ ने अपना नाम वापस ले लिया है, और ये बहुत बड़ी बात है। किस देश ने नाम वापस लिया है, ये नाम वापस किसने लिया है? ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हमारा क्या है इसका, कुछ लोगों को पता होगा, आंसर है हमारा भारत। भारत ने हॉकी फेडरेशन से, भारत की हॉकी फेडरेशन ने 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से अपना नाम वापस ले लिया। ये नाम वापस क्यों लिया अभी हम बताएंगे, पहले थोड़ी सी जरूरी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत ने, भारत की जो हॉकी टीम है, भारत की हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंगम में होने वाले हैं, यानी कि इंग्लैंड में होने वाले हैं, इंग्लैंड के बर्मिंगम में ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2022 के, उनसे अपना नाम वापस लिया है। क्यों लिया है? COVID-19 पैंडेमिक के कंसर्न्स को देखते हुए, और शॉर्ट टर्न अराउंड है ये, मतलब बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ऐसा किया है। और ये कब हुआ है, द एशियन, और इसके अलावा दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, एशियन गेम्स होने वाले हैं 2022 में, सॉरी एशियन गेम्स होने वाले हैं हमारे 10 सितंबर से। ये कहां होने वाले हैं, ये होने वाले हैं हांगझू चाइना में, ठीक है, हांगझू चाइना में सितंबर आपके एशियन गेम्स होने वाले हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो शेड्यूल है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त अगले साल हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, और एशियन गेम्स सितंबर 10 से होंगे अगले साल, ठीक है। तो 2022 में आपके एशियन गेम्स भी शेड्यूल्ड हैं, और 2022 में ही आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी शेड्यूल्ड हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे आपके बर्मिंगम इंग्लैंड में, और एशियन गेम्स होंगे आपके हांगझू चाइना में। और नेक्स्ट हमारा ओलंपिक्स का होने वाला है, पेरिस में होने वाला है। तो 2024 का ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में होगा, ठीक। इन अ लेटर एड्रेस टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम ध्यान रखिए, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा नाम है भारतीय ओलंपिक संघ के राष्ट्रपति का, मतलब अध्यक्ष का। एंड रिव्यूड बाय राइटर्स, द हॉकी फेडरेशन सेड द एशियन गेम्स वर द प्रायोरिटी। और ऐसा क्यों किया है, उन्होंने कहा है कि एशियन गेम्स को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। With reference to the ongoing COVID-19 pandemic, we have observed that the last 18 months that England has been the worst affected country in the Europe. ये बहुत बड़ी बात भारत ने बोली है। भारत ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में इंग्लैंड सबसे ज्यादा कोविड से प्रभावित रहा है, इसलिए हम अपनी हॉकी टीम को इंग्लैंड में खेलने नहीं भेजेंगे। और ये किसने कहा है, हॉकी इंडिया चीफ, आप इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। हॉकी इंडिया चीफ कौन है, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ठीक है, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम इनका नाम है, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए, चीन के, चीन में एशियाई खेल होने वाले हैं 2022 में, चीन में हांगझू प्रांत में, और 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं। इन्होंने COVID-19 की चिंताओं का हवाला देते हुए इन्होंने ये करा है। तो राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त अगले साल होंगे, और एशियाई खेल 10 सितंबर से अगले साल शुरू होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या थी, पॉलिटिक्स ये थी कि भारत को इंग्लैंड में क्या था कि इंग्लैंड वाले बड़े अजीब बिहेव कर रहे थे कि भाई देखो यार, उनके यहां भी लगती है ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनी गई एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, और वही एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में वो जो आपके पूना वाला थे सीरम इंस्टीट्यूट आपका कर रहा था। अब वही दवाई है, तुम लगाओ तो बढ़िया और हम लगाए तो खराब, ये चीज इन्होंने गड़बड़ कर रखी थी इसमें, कि मतलब वही दवाई जब इंग्लैंड वाले लगा रहे हैं तो उनको कोविड भाग रहा है, और वही दवाई जब इंडिया वाले लगा रहे हैं तो उनको क्या करना है, अगर वो इंडिया से कोई भी व्यक्ति, हम मान लीजिए मैंने दोनों आपकी दोनों वैक्सीन दो लगवा ली है, और मान लीजिए मैं इंग्लैंड जाता हूं, और इंग्लैंड में अगर मैं जाऊंगा, मैंने दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाया, तो वो मुझे फिर भी 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन कर देंगे, मुझे 10 दिन का मैंडेटरी क्वारंटीन कर देंगे कि नहीं भैया आपको 10 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, अभी आपको नहीं, आप बाहर निकल सकते हो। तो ये एक तरीके का भेदभाव वाला व्यवहार था, एक तरीके का रेसिज्म था, क्योंकि यार जब तुम वही वैक्सीन लगा रहे हो और तुम खुले में घूम सकते हो तो हम क्यों नहीं घूम सकते, जबकि सेम वैक्सीन हम भी लगा रहे हैं, तुम्हारे यहां से खरीदी हमने। तो ये एक तरीके का रेसिज्म कर रहे थे, और इसका विरोध करने के लिए भारत ने ये कदम उठाया कि भैया जाओ तुम्हारे यहां से हमें कॉमनवेल्थ गेम खेलना ही नहीं है, हम एशियाई खेलेंगे अपने, और हम एशियाई को प्रायोरिटी दे देंगे, ये इन्होंने कहा है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारत ने क्या किया, भारत की हॉकी संघ ने अपना नाम वापस लिया, उसका रिएक्शन भी हुआ है,
ठीक है। और रिएक्शन क्या हुआ है, तुरंत ही आज ही आ गया है नोटिस कि नो क्वारंटीन फॉर इंडियन ट्रेवलर्स टू यूके फुल्ली वैक्सीनेटेड विद कोविशील्ड फ्रॉम अक्टूबर 11। 11 अक्टूबर के बाद से किसी भी भारतीय जो कि यूके में ट्रेवल कर रहा है उसके लिए कोई क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने अब सारी जो पाबंदियां थी वो तुरंत हटा दी। तो आप ये देखो कि भारत अब वो भारत नहीं रहा दिल्ली विल्ली में क्या करता था बेटा, अब चीजें बदलती हैं अगर हम दबाव बनाते हैं और हमने दबाव बनाया। ठीक है, तो हो सकता है आगे जो भी होगा होगा, फिलहाल के लिए आपकी ये न्यूज है कि भारतीय हॉकी संघ ने कॉमनवेल्थ गेम्स से अपना नाम वापस ले लिया है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होने वाले हैं, कहां होने वाले हैं, बर्मिंघम के लंदन में होने, लंदन के बर्मिंघम में होने वाले हैं, एशियाई खेल 2022 में होने वाले हैं, कहां होने वाले हैं, ज़ोंगू प्रांत चाइना में होने वाले हैं, और पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं, कहां होने वाले हैं, पेरिस ओलंपिक्स आपके 2024 में पेरिस में होने वाले हैं, और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का नाम क्या है, नरेंद्र बत्रा, और भारतीय हॉकी चीफ का नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोगम। ठीक है, चलिए अगली बात पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए एक करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं और ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगला सवाल है, इयान वाटमोर ने किस क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने का फैसला किया है, यानी कि इयान वाटमोर किस क्रिकेट बोर्ड के कोच थे, बेसिकली समझ लीजिए के अध्यक्ष थे, और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ा है। तो ऑप्शन है आपके ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, सीए ऑस्ट्रेलिया का है, और सीएसए साउथ अफ्रीका का। तो इनमें से किसके अध्यक्ष के रूप में इयान वाटमोर ने अपना पद छोड़ा है, तो ये हैं आपके इयान वाटमोर जी, और इन्होंने ईसीबी का इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से अपना पद छोड़ा है। इयान वाटमोर इंग्लैंड और वेल्स का क्रिकेट बोर्ड से इन्होंने अपना नाम हटाया, मतलब इन्होंने पद छोड़ दिया है, और दैट इज फॉर्म लेटर फ्रॉम ऑल साइड्स फॉर नो लॉन्गर इट्स फॉर्मर चेयर इट्स 10 मंथ्स टेन्योर। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रख सकते हैं कि ईसीबी के जो चेयरमैन थे इयान वाटमोर, उन्होंने अपना 10 महीने के कार्यकाल की तुलना में कहीं अधिक लंबे समय तक खुद को एक तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा, इस वजह से उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस राज्य ने कोरोना की कम से कम एक डोज वैक्सीन की पूरी तरह से 100% कर दी, यानी कि इनमें से किस राज्य में सारे एडल्ट्स को कम से कम एक डोज वैक्सीन की 100% लग गई है, मतलब 100% जो है एक राज्य में से कौन से राज्य को कम से कम 100% आबादी को एडल्ट्स की 18+ की 100% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुकी है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, त्रिपुरा और पौंडीचेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोविड से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका है आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो आपका एक ऐसा राज्य है जहां से 100% वैक्सीनेशन हो गया है एटलीस्ट वन डोज का ऑफ एडल्ट्स। तो कुछ राज्य हैं जैसे कि लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार एंड सिक्किम। तो लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार एंड सिक्किम में 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज वैक्सीन लग गई है। ये जानकारी किसने दी, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत के इस समय हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्तमान में भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO has recently approved vaccine of which of the following diseases यहां ऐसा होगा, इनमें से कौन सी बीमारी का WHO ने हाल ही में वैक्सीन अप्रूव किया है, पहली बार वैक्सीन आ रही है इनमें से एक बीमारी की, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी पहली बार वैक्सीन अप्रूव हुई है। ऑप्शन है आपका डेंगू, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस या फिर बर्ड फ्लू। तो आंसर इसका हो जाता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इसका हो जाता है आपका मलेरिया। मलेरिया की वैक्सीन पहली बार आ रही है दुनिया में और वो अभी अभी WHO ने अप्रूव की है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अक्टूबर 6, 2021 रिकमेंडेड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरियल वैक्सीन RTS-SAAS-01। RTS-S नाम रखेंगे, याद रखेंगे आप, दुनिया की पहली मलेरिया की वैक्सीन आई है और ये मोस्टली सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स में दी जाएगी।
विद मॉडरेट एंड हाई मलेरिया ट्रांसमिशन, क्योंकि वहां पर मलेरिया काफी ज्यादा फैलता है. हमारे देश में डेंगू ज्यादा फैल रहा है, मलेरिया नहीं फैल रहा है. तो आंसर हमारा हो जाएगा आपका मलेरिया इज द राइट आंसर. RTS-S वैक्सीन जो है हैज बीन अप्रूव्ड एज इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस मलेरिया एंड लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर केसेस. ओवर 8 लाख चिल्ड्रन हैव रिसीव्ड द वैक्सीन सो फार एंड हैव बीन बेनिफिटिंग फ्रॉम द एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज. कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे हु इज द WHO का प्रेसिडेंट, कौन है WHO का अध्यक्ष का नाम क्या है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे हु इज WHO के अध्यक्ष का नाम क्या है. अगली बार से जब मैं कल से वीडियो बनाऊंगा तो आपको जितने भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ ये वीडियो के एंड में आपको जरूर मैं बता दिया करूंगा. ठीक है, आज ऐसा नहीं है. फिलहाल मैं आपको, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि WHO के चीफ का नाम क्या है. ठीक है, तो मलेरिया की वैक्सीन WHO ने अप्रूव की है और उप सहारा अफ्रीका के रीजन्स में ये ज़्यादा वहाँ पे यूज़ की जाएगी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैलता है मलेरिया. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट इट्स फोर्थ टाइगर रिजर्व. इनमें से कौन से राज्य को चौथा टाइगर रिजर्व मिला है, कहाँ पर ये टाइगर रिजर्व बना है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि टाइगर रिजर्व से और नेशनल रिजर्व से क्वेश्चन हमारे काफ़ी पूछे जाते हैं. ठीक है, टाइगर रिजर्व और नेशनल रिवर रिजर्व से हमारे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात. इनमें से किस राज्य को अपना चौथा बाघ अभ्यारण्य मिला है. तो आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर. छत्तीसगढ़ को चौथा बाघ अभ्यारण्य मिला है. छत्तीसगढ़ के CM का नाम क्या है, भूपेश बघेल. ठीक है, तो द कम्बाइंड एरियाज ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व भी है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है. ये जो आपका हुआ है इसमें ये काफी बार पूछा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये आपका किया गया है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM मित्रा. पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो पीएम मित्रा का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है. ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, प्रधानमंत्री मेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्सटाइल रेगुलेटिंग अथॉरिटी, प्रधानमंत्री मेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्सटाइल रेगुलेटिंग एसोसिएशन, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रेगुलेटिंग अथॉरिटी. बैंक में ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं इस तरीके के कि इसका फुल फॉर्म क्या, और लगभग मिलते जुलते क्वेश्चंस ऑप्शंस आपके होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी तरीके से. तो पीएम मित्रा का फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे. ऑप्शंस आपके हैं इसमें प्रधानमंत्री, आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल. प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ध्यान रखेंगे इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल. बेसिकली ये आपके टेक्सटाइल पार्क हैं जिसमें आपके काम होगा. तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम मित्रा. ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने 6 अक्टूबर 2021 को अपना अप्रूवल दिया 7 मेगा पीएम मित्रा पार्क्स को विद अ टोटल आउटले ऑफ ₹4,445 करोड़ ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल में 5 PM मित्रा पार्क बनेंगे. The park, these parks will help to position India strongly on the global textile map. वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर भारत को मजबूती प्रदान करने में हेल्प करेगा. 4,445 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं, 5 साल की अवधि में बनेंगे. ये तरीके के पार्क होंगे जिसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड आपकी चीजें बढ़ावा दी जाएंगी. ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल. ठीक है, तो ये पीयूष गोयल जी के ट्वीट से ये जानकारी हमें मिली है. प्रधानमंत्री पीएम मोदी गवर्नमेंट्स लैंडमार्क डिसीजन ऑन एम्पावर टेक्सटाइल सेक्टर अप्रूवल फॉर 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स. ये 7 पार्क्स बनने वाले हैं, इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 21 लाख नौकरियां बनेंगी और काफी प्रोडक्शन होगा और एक्सपोर्ट होगा. ठीक है, ये एक लैंडमार्क डिसीजन है एम्पावर टेक्सटाइल, ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस है. इट विल लेवरेज 5F पावर, क्या है ये, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन. ठीक है, इट विल इनेबल स्पिनिंग वेविंग, बेसिकली ये आपके टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है आपका. ठीक है, इसमें आपकी सारी जानकारी लिखी हुई है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर लेना.
इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होस्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इनमें से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश में आयोजित की जा रही है, विश्व कैप कुश्ती चैंपियनशिप इनमें से किस देश में आयोजित की जा रही है। तो आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन है हमारे गोंजू चाइना, टोक्यो जापान, दिल्ली इंडिया या ओस्लो नॉर्वे, इनमें से किस जगह पर आपकी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आपकी आयोजित की जा रही है। तो आंसर हमारा इसमें है आपका ओस्लो नॉर्वे, ओस्लो नॉर्वे में आपकी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। ठीक है, कहां पे की जा रही है, ओस्लो नॉर्वे में, दिस इज द लोगो ऑफ दैट चैंपियनशिप। अगला जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून देने वाला सवाल है, क्वेश्चन है, विच इंडियन रेसलर बिकेम फर्स्ट वुमेन टू एंटर फाइनल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, कौन सी भारतीय पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी, फाइनल पहली बार किस महिला ने खेला है भारतीय कुश्ती में। तो आंसर हम ऑप्शन है हमारे पास साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंशु मलिक या फिर सरिता मोर। तो आंसर हमारा क्या है, आंसर है हमारा अंशु मलिक। अंशु मलिक जी ने ये अभी सिल्वर मेडल जीता है और फाइनल खेला उन्होंने और फाइनल में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, फाइनल वो हार गई, गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, बट शी बिकेम द सेकेंड बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओलंपिक्स में उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, बट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने अपना लोगा मनवाया और काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और ये अभी सिर्फ 20 साल की हैं, तो अभी इनके पास पूरी लाइफ पड़ी है आगे परफॉर्म करने की और इंशाल्लाह ये ओलंपिक्स में भी मेडल जरूर लाएंगी। पुट अ स्ट्रॉन्ग फाइट बट लॉस्ट टू 2-time ओलंपिक मेडलिस्ट हेलेन मोरोलिस, हेलेन मोरोलिस से हार गई, यूएस की हेलेन मोरोलिस से हार गई, 20 साल की मजबूत लड़ाई लड़ी, लेकिन 20 साल की जो हमारी रेसलर हैं ये यूएस की हेलेन मोरोलिस से हार गई और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, भारत की तरफ से आज तक सिर्फ एक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है सिर्फ एक खिलाड़ी ने और उनका नाम है सुशील कुमार, जो भी अपने गलत कामों की वजह से जेल में है, बट सुशील कुमार वॉज द ओनली इंडियन रेसलर हु वन वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, इसके अलावा एक और खुशखबरी है हमारी कि जो सरिता मोर, जो हमने चौथा ऑप्शन पढ़ा था, उनका नाम इसीलिए रखा है मैंने क्योंकि सरिता मोर ने भी अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें। तो भारत ने 2 मेडल जीते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, एक सिल्वर मेडल जीता है अंशु मलिक ने और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता है सरिता मोर ने। इन्होंने स्वीडन की जोहाना लिंडबो को हराया 8-2 से हराया टू बैग द ब्रॉन्ज मेडल इन द 59 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ऑन थर्सडे। शी बिकेम द 6th इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वो भारत की 6th महिला बनी है, महिला रेसलर बनी है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली 6th भारतीय महिला पहलवान बन गई। तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। 2-3 न्यूज है, कुल मिला के 3 जानकारी हमें ध्यान रखनी है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित कहाँ की जा रही है, ओस्लो नॉर्वे में। इसके अलावा जीती किसने है, यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है जीती किसने, गोल्ड मेडल किसने जीता, तो गोल्ड मेडल जीता हेलेन मोरोलिस ने, यूएसए की है। सिल्वर मेडल भारत की अंशु मलिक ने जीता और ब्रॉन्ज मेडल सरिता मोर ने जीता है। एंड उन्होंने अंशु मलिक पहली महिला बन गई जिन्होंने विश्व कप चैंपियनशिप में फाइनल खेला है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देखा है आपने और पसंद आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर करो थोड़ा सा, जिससे कि चूंकि अभी बहुत ही पहली बार ये चीज़ शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर और अभी मुझे बहुत आगे ले जाना है इसे, तो उसके लिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप में से जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं, मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप में से काफ़ी अच्छे फॉलोअर हैं और आप अच्छे सब्सक्राइबर हैं जितने पूरा वीडियो देखा, तो बस आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इनिशियली अगर आप थोड़ा शेयर करेंगे तो हम और इसको अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसकी जानकारी मैंने पहले ही दे दी। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, सलाह है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर सीधे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि PDF आपको वहां पर मिलेगी और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक अच्छे करंट अफेयर्स को हम कवर करें। इन केस कोई चीज आज जैसे कवर नहीं हो पाती तो वो हम लोग नेक्स्ट डे के वीडियो में कवर कर लेंगे, तो उसकी चिंता आप मत करिएगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ईच एंड एवरी करंट अफेयर इज कवर्ड इन द वीडियो। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि WHO के
चेयरमैन का नाम क्या है, तो WHO के चेयरमैन का नाम है आपके टेड्रोस एंडेमन, ठीक है। टेड्रोस जो है आपके ब्राजील के हैं, इन्हें इसका WHO के चेयरमैन इस समय बने हुए हैं, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड के, तो WHO के चेयरमैन का नाम है आपका टेड्रोस, टेड्रोस आधम आधानोम, ठीक है। और ये इथोपिया के हैं, इतने ब्राजील के नहीं है, इथोपियन है, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ WHO चीफ, ठीक। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन टेलीग्राम, क्योंकि PDF आपको वहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।